पेपर लीक हुआ था बिहार एसएससी का, उस पर आप गए थे शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू लेने, छात्र काफी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो जिस बिहार के शिक्षा मंत्री को बिहार के उज्जवल भविष्य का बात करना चाहिए, वैकेंसी का बात करना चाहिए, वो बाद में बयान देते हैं रामचरितमानस पर, तो ऐसे शिक्षा मंत्री और नेताओं को क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी और हम एक जगह बैठ जाए, हम लोग कॉम्पिटिशन कर ले, हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं। अच्छा, ठीक है, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हम इंजीनियर ही हैं और हम इंजीनियरिंग में भी उतना एक्सपर्ट इंजीनियर नहीं, हमसे सारा सवाल पूछेगा तो हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री के सारे सवालों का जवाब तो हम जरूर देंगे, और वो हमारे एको को सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं, इतना गारंटी कहते हैं, इतना गारंटी कहते हैं, ये चीज है। और देखिए, कभी एसएससी के बच्चे जो है सड़कों पे आंदोलन करते हैं, हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, कभी बीपीएससी के बच्चे पढ़ते हैं। पर आरोप भी लग रहा था कि बिहार एसएससी आंदोलन में आप छात्रों के पास नहीं आए थे। अरे केस कर देगा सब, सबसे पहले हम ही को टांगेगा सब। अच्छा, यही चीज है नहीं तो हम लोगों को जहां से जिस प्रकार से हम लोगों को काम करना है, ये सीना 56 इंच का लेके जो है ना, हम लोग उतना काम करने का प्रयास करते हैं और ईमानदारी पूर्वक प्रयास करते हैं। कई मजबूरी है, आंदोलन आंदोलन में मैं नहीं जा पाता, समझिए आंदोलन में क्यों नहीं जाते हैं उसके पीछे का रीजन हम बताते हैं। आंदोलन सामाजिक तत्व शुरू करते हैं और असामाजिक तत्व खत्म करते हैं, इसलिए नहीं जाते। ये चीजें समझना होगा, एनटीपीसी में किसी बच्चे ने ट्रेन को आग लगाया क्या? नहीं, असामाजिक तत्वों ने लगाए वहां पे, कुछ असामाजिक तत्व या सरकार के ही कुछ लोग जो है, जो मेरे विरोधी है, जो सोचते हैं कि बड़ी स्टूडेंट का आवाज उठाता है, लगा दो आग और इसके ऊपर केस कर दो, तब हम क्या करेंगे? आप ही लोग लॉजिकली सोचिए। तो आंदोलन में कवरेज के लिए जो है, मैं अपने रिपोर्टर को भेजता हूँ और मेरे से जो हो सकता है मैं कवरेज करता हूँ। ये आप लोग बताइए कि जिस दिन आप लोग आंदोलन करते हैं उस दिन मेरे चैनल पे वीडियो आता है कि नहीं आता है? आता है। उस दिन मैं कोई अय्याशी थोड़ी करता हूँ, मैं कहीं नहीं तो कहीं किसी ना किसी का आदमी का हक का आवाज ही उठाता हूँ, और उस दिन भी मेरे चैनल पे वीडियो आता है। तो मेरी भी मजबूरी है, आप लोगों की भी मजबूरी है, और एक दूसरे का मजबूरी है। अच्छा सर, अभी भी बिहार एसएससी पेपर मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, नहीं तो आप लोगों को ज्यादा समस्या है तो शिक्षा मंत्री हमको बना दीजिए। अच्छा, हम इस मंच से वादा करते हैं कि एको को पेपर लीक नहीं होने देंगे। तो चुनाव कब लड़ना है? सुनिए सुनिए, हमको नहीं बनाना है तो झासर को बना दीजिए। अच्छा, हम तो एजुकेशन फील्ड से नहीं है, झासर एजुकेशन फील्ड में बना देते हैं। तो झासर को जो है शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, खान सर जैसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, बिपिन सर जैसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, ऐसे अनेकों सर है, सही है ना, शशि सर है, बहुत सारे शिक्षक हैं, उनमें से किसी शिक्षक को शिक्षा मंत्री बनाया जाए, सही है कि नहीं, जो बच्चों का दर्द समझते हैं। लेकिन ये लोग भी जो है ना चुनाव नहीं लड़ते हैं, इन लोगों को भी लड़ना चाहिए चुनाव। अच्छा सर, जो भी परीक्षा होता है बिहार में बच्चा एग्जाम देने भागते रहते हैं। अच्छा मनीष भैया, कल हो के यही लोग कहेंगे कि देखिए ये भी राजनीति बाज हो गए। हाँ। तो वही ना समस्या। अच्छा, है तो जो राजनीति बाज है उनपे अगर आप लोगों को भरोसा है तो उनको वोट दीजिए, और नहीं भरोसा है तो कुछ नया क्रांति लाइए। अच्छा मनीष भैया, आप काफी दिनों से, एक सवाल सर से है, आप तो अभी जवाब दिए हैं। सर, काफी दिनों से मोदी जी युवाओं को भरोसा दे रहे हैं कि वैकेंसी आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वैकेंसी जो है चुनाव बेस्ड कर दिया गया है, और एक वैकेंसी को लाने में 4 साल 8 साल 6 साल की देरी होती है, तो इस पर आप कैसे देख रहे हैं सर? और वैकेंसी क्या आएगी नहीं आएगी, छात्रों को क्या कहेंगे सर? क्योंकि काफी छात्र अजमंजस में पड़ जाते हैं कि तैयारी कितना दिन करें। देखिए, पढ़ाई और लड़ाई दोनों करना होगा, बहुत जल्द आप लोगों के पास वैकेंसी होगी। हम लोग पॉजिटिव विचारधारा को समाज में परोसते हैं, निगेटिव विचारधारा की ओर नहीं जाना है, और हमेशा पॉजिटिव विचारधारा की ओर जाना है।